मुरली बहुत ही छोटा हो गया। बातचीत करना भी तो मुरली है, ये लंबा कर दो। हाँ जी, नॉलेज फुल बच्चे को मतलब ये नहीं होता है कि सच्चाई को हमें सिद्ध करने के लिए अड़ जाना है। सच्चाई को सिद्ध करने के लिए अड़ने की दरकार नहीं है, वाद विवाद करने की दरकार नहीं है, अपनी बात सुना देना है। कोई को अच्छी लगती है तो स्वीकार करे, अच्छी नहीं लगती है तो छोड़ दे। हम जानते हैं कि सारी दुनिया देह अभिमानी, देह अहंकारी है। हम डिबेट करेंगे तो वो तैश में आ जाएंगे, झगड़े फसाद हो जाएंगे। ब्रह्मा और शिव बाबा को एक बच्चे हैं। शिव बाबा का एक ही बच्चा है ब्रह्मा। यज्ञ के आदि में बाप कौन था और उसका पहला बच्चा कौन हुआ है? कौन? ब्रह्मा हुआ ना, इसीलिए बोला सत्युग में भी ऐसे ही होगा। सत्युग में पहला बच्चा, पहला पत्ता कौन होगा, किससे पैदा होगा? सत्यनारायण अभी कौन है? प्रजापिता। आदि में भी था, अंत में भी प्रजापिता, और वो ही नारायण प्रत्यक्ष होता है। और किसका? हाँ, जन्म नहीं होगा, द्विजन्मा होगा। ज्ञान के तीनों सूत्र धारण कर लेगा। ब्राह्मण, संपूर्ण ब्राह्मण कब कहा जाता है? जब द्विजन्मा होता है, यज्ञोपवीत धारण करता है। ये ज्ञान यज्ञ है। उपमाने ऊंची स्टेज, जैसे ज्ञान यज्ञ में जिन आहुति देने वालों की ऊंची स्टेज बनती है, तो वो पक्के ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञान सागर बाप के मास्टर नॉलेजफुल बच्चे बन जाते हैं, तब उन्हें कहा जाता है पक्का ब्राह्मण।
और बार बार वही बातें शुरू कर देते हैं। तांबे का युग सुना है? है? तांबे का युग कब से शुरू होता है? है? द्वापर युग से। आधी नई दुनिया जब पूरी हो जाती है तब आधी रह जाती है तो कहते हैं ताम्र ध्वज। ध्वज माने झंडा। काहे का झंडा? तांबे की दुनिया का झंडा। कौन लहराएगा? कहेंगे ताम्र ध्वज। और मोर ध्वज? मोर की पूंछ का झंडा कौन लगाता है? कहते हैं कृष्ण। वो है नई दुनिया का झंडा लगाने वाला। ये नाम है शास्त्रों में, काम के आधार पर नाम पड़े हैं। मोर की तरह पवित्रता को धारण करने वाला, पवित्र दुनिया की स्थापना करने में आगे जाने वाला, उसका नाम पड़ा है संगम युग में मोर ध्वज। और दादे मतलब बाप का बाप, प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, मनुष्यों का बाप है। दादे कौन है? जो प्रजापिता का भी बाप है वो हमारा दादे है। कहा जाता है बाप दादे, इसलिए बाप दादे का नाम साथ साथ लिया जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ। अवैधवाणी में अवैध बाप दादा ने बोला था कि बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए दुरिस्ट बच्चों को कुछ कार्य दिया था कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कोशिश करना है, और गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं है। ये दोनों बात को सिद्ध करने के लिए दुरिस्ट बच्चों को बाबा ने बच्चों को बाबा ने ये कार्य दिया था कि मेरे दुरिस्त बच्चे ये बात को सिद्ध करेंगे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है और गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं है। तो अब अगर देखा जाए, अगर दुनिया का पतन होता है तो दो चीजें होता है चिंतन के आधार पर आया। एक बुद्धि का जब पतन होता है और जब शरीर का पतन होता है, शारीरिक चरित्र का पतन होता है। शरीर के पतन का आधार क्या है? वही बाबा बोल रहे थे, जब भगवान का इनका विनाश समझ कर जब सर्वगति कर दिया तो बुद्धि अस्त हो गई, और जब शिवशंकर भोलेनाथ की जगह पर जब कृष्ण को डाल दिया गीता का भगवान बोल के, बुद्धि उसको पतन न पाने के कारण 16,000 रानियां रखा था, ये उनका चरित्र भी हनन हो गया। बुद्धि का पतन होता है तो मन का पतन होता है। मन 11 इंद्रियों में मुख्य है, 10 इंद्रियों में। मुखिया का पतन हो गया तो सारी इंद्रियों का पतन होता है, और इंद्रियों का पतन होता है तो 5 तत्वों के बने हुए सारे शरीर का पतन हो जाता है। देवताओं के शरीर कितने सुंदर दिखाए जाते हैं, ये सुंदरता कहाँ गई? वो प्योरिटी कहाँ चली गई? जो ऐसा वाइब्रेशन बनाती थी कि लोगों को वाणी में आने की दरकार ही नहीं होती थी, वाइब्रेशन से ही एक दूसरे की बात समझ जाते थे, इशारे की भाषा होती थी,
आज की दुनिया में तो कितना आवाज हो गया, हम हैं आत्मा, वाणी से परे के धाम में रहने वाले। और अभी हमारी हालत क्या हो गई, वाणी से परे जा रहे हैं या वाणी की दुनिया में डूबते जा रहे हैं। जाना है निर्वाण धाम और बातों के अंबार बढ़ते जा रहे हैं। अभी लास्ट में निकला ये मोबाइल तो बातें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, बातों की दुनिया हो गई। कहते हैं बातें कम और काम ज्यादा, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो पा रहा है सुख शांति के लिए। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, बड़े बड़े देशों के सदस्य आपस में मिलते रहते हैं और शांति लोप होती जाती है या शांति स्थापन होने के आसार दिखाई देते हैं। तो मूल है बुद्धि रूपी आत्मा, उसके कंट्रोल में रहना चाहिए मन। ये मन बैल है, घोड़ा है, लगाम ढीली हो गई है। अगर इस मन को कंट्रोल कर लिया तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी, फिर पांच तत्व भी कंट्रोल में आ जाएंगे। कंट्रोल में आते ही सतो प्रधान बन जावेंगे। इसलिए बाबा ने बोला, जब तक पांच तत्वों को सतो प्रधान नहीं बनाया है तब तक नई दुनिया नहीं आ सकती। अब पांच तत्वों को सतो प्रधान कौन बनावेंगे? परमपिता परमात्मा पांच तत्वों से परे है या पांच तत्वों के अंदर आता है तो वो तो नहीं बनावेगा। आत्मा है पांच तत्वों के बंधन में बंधती है, आत्मा है पांच विकारों के बंधन में बंधती है। तो आत्माओं के ऊपर ही नंबर वार ये जिम्मेवारी आ जाती है कि पहले पांच विकारों को कंट्रोल करें। जब आत्मा के पांच विकार कंट्रोल्ड हो जाएंगे तो शरीर के पांच तत्व भी कंट्रोल होंगे। इसलिए दो हैं, एक है बाप एक है माँ। माँ को कहते हैं पांच तत्वों की संघात प्रकृति, और बाप है मनुष्य आत्माओं का बाप। इन दोनों को मिलकर के ही नई दुनिया बनानी है। माँ को किसके कंट्रोल में रहना पड़े? बाप के कंट्रोल में रहना पड़े।
ये मन माता है, इसलिए शास्त्रों में मन को जड़ बता दिया है। इतनी चंचलता करता है फिर भी जड़ क्यों बता दिया? क्योंकि बाप के रूप को मन रूपी ब्रह्मा नहीं पहचान पाता, बुद्ध रूपी बाप ही पहचानता है। बाप ही बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो दुनिया को परिवर्तित करने के लिए ए टू जेड सारे पार्ट को समझना पड़े। और पंजाब और दिल्ली दोनों ईशान है, पंजाब और दिल्ली, पंजाब और दिल्ली दोनों ईशान है, क्या है ईशान है, तो दोनों भाई मुहिद हो गए। दिल्ली दिल्ली है भाई, पंजाब है कोई, पंजाब और दिल्ली से निकलता है, पंजाब ही दिल्ली से निकालना है। हाँ दिल्ली है भाई, पंजाब भी दिल्ली से ही निकलना है। दिल्ली तो बाप का दिल है ना, रुद्रमाला का मणका है या कोई दूसरी माला का मणका है? है रुद्रमाला के मणके भाई भाई होते हैं या बहन भी होते हैं? है भाई भाई हैं, परंतु माता भी तो चाहिए। माता देह अभिमानी होती है या आत्मा अभिमानी होती है? देह अभिमानी होती है। तो पंजाब में जो धर्म फैला हुआ है उस धर्म का नाम क्या है? है सिख धर्म। सिख धर्म में देवियों की मान्यता है या नहीं है? है। ज्यादा देवियों के मंदिर पंजाब में ही हैं। इसलिए बोला पंजाब कन्यादान में सबसे आगे चला गया। कौन सी कन्या का दान हुआ पंजाब से, पंजाबी खून से? जगदम्बा का। और बाबा एक है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब शादी है। ब्राइड ग्रूम ब्राइड ग्रूम माने दूल्हा, और बाकी सब हैं सजनिया। शिव बाबा है ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम सजनियों को कहाँ ले जाते हैं? अपने घर ले जाते हैं, तो कौन ले जावेगा? है शिव बाबा ब्राइड ग्रूम बन करके सजनियों को घर ले जावेंगे, तो जाने वाली पीछे पीछे कौन हुई? सजनिया हो गई। स्त्री पुरुष चोले की बात नहीं है, भले चोला भी है तो भी सारी दुनिया को किसको फॉलो करना है?
ब्राइड ग्रूम को फॉलो करना है। ब्राइड ग्रूम कोई शिव ज्योति बिंदु नहीं है। शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है या दूसरे संबंध भी बनते हैं? बाप है। फिर वो आत्माओं का बाप कोई मुकर्रर शरीर में प्रवेश करता है। लोन लेने वाले शरीर में नहीं, टेम्पररी शरीर में नहीं, मुकर्रर रथ में जब प्रवेश करता है तो सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र उसकी सजनिया हो जाते हैं। इसलिए झाड़ के चित्र में ब्राइड ग्रूम को साकार दिखाया है या निराकार दिखाया है? साकार दिखाया है। और लेकिन है स्टेज कब बनाई जाती है, शरीर के द्वारा या बिना शरीर के? हाँ जी, जगत पिता और भरत, भारत जगत पिता कहते हैं 500 करोड़ को, और भारत कहते हैं सिर्फ है भारतवासी आत्माओं को। जो भारत में ही रहने वाली है, भारत में रहने वाली आदि से अंत तक आत्माएं कितनी हुई जो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती, अपने धर्म की पक्की बन करके रहती हैं, थुर में ही रहती हैं, बाई प्लाट धर्म में कन्वर्ट होकर के जाती ही नहीं, वो हुए भारतवासी पक्के पक्के। कितने जन्म लेने वाले? 84 पूरे जन्म लेने वाले, बाकी सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या तो प्रभाव में आ जाते हैं। और ब्रह्मा के मुख में निकाली गई जो मुरली है, उस मुरली को 100% धारण करने वाले को मुरलीधर कहेंगे। मुरली को देखते हैं आपके जीवन में 100% धारण करेगा, मुरलीधर कहेंगे। धारण करने का मतलब है कि बुद्धि में धर लिया, छूटने की संभावना नहीं है। गिरने की संभावना नहीं है। जो बुद्ध रूपी टोकरी में भर गया सो भर गया। अगर एक भी पॉइंट मिस हो जाएगा तो नई दुनिया की राजधानी बनने में कोर कसर आ जाएगी। धारण कर लिया, इसलिए बोला अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। कब की बात है? जब ब्रह्मा जीवित थे उस समय अमृत नहीं धारण किया, क्योंकि मंथन नहीं हुआ था। जब मंथन होता है तब धारणा होती है।
गाय जुगाली करती है तब रस बनता है। खाना अगर चबाया नहीं जाएगा तो खून नहीं बनेगा। इसलिए सार को धारण करने के लिए मंथन करना जरूरी है। हाँ जी, तो बाबा इसी को सिद्ध होता है कि ब्रह्मा से भी कोई श्रेष्ठ पुरुष शक्ति वाला आत्मा निकलेगा ब्रह्मा के पास, तो मुझे तो कहेंगे भक्ति मार्ग में मुरली काठ की दिखाते हैं, इसका भी कोई मतलब है या नहीं है? है? क्या मतलब है? है? इसका मतलब है कि मुरली काठ की है, कठबुद्धि जिसके मुख से निकली है वो स्वयं कठ बुद्धि है, काठ। उसे चैतन्य ज्ञान मुरली बनाना है तो ज्ञान मुरली बनने के बाद काठ की नहीं कही जाएगी। उसका नाम बांसुरी भी है, सुर निकलते हैं ना, सप्तऋषि कितने होते हैं? सात ही होते हैं। और सुर कितने होते हैं? सात सुर होते हैं। बाकी आर्य समाज तो मिक्स है, कोई अलग से सुर निकालने वाला नहीं है, ये मठपंत है। तो आर्य समाज को अलग कर दिया जाए तो कितने विधर्मी बचे? सात विधर्मी बचे। ये सात सुरों में बोलते हैं, बाकी बांसुरी तो एक ही है। सुर अपने अपने अलग अलग हैं, कोई ने धारणा कम की, कोई ने जास्ती की। पाप की लौकिक आयु में एक पॉइंट है, आत्मा को बुलाते हैं उनको समझाने लिए कि तुम आते थे, उनको कितना समझाते थे कि पाप को याद करो पवित्र बनो, फिर भी ना माना। अब तुम परिपुष्ट हो गए, आगे जो हमारे फिर भी बड़े होकर कोई 20-25 वर्ष के हो गए ज्ञान भी ले सकते हैं। आत्मा को बुलाते हैं उनको समझाने लिए तुम आते थे, नहीं आत्मा को बुलाते हैं जिनको ब्रह्मा बाबा इतना समझाते थे कि पवित्र बनो, कि ब्रह्मा की बुद्धि में पतित पावन का राज बैठा था क्या? है? तो नहीं बैठा था तो समझाएंगे उल्टा। उनकी बुद्धि में अगर पतित पावन का राज बैठा होता तो समझाने की बात रहती ही नहीं। तो जो राम सीता वाली आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया उनको बुलाया जाता था, तुमको समझाते थे कि पवित्र बनो, फिर भी तुमने नहीं माना, ये कौन बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। और कोई 20-25 वर्ष के हो गए, उनमें से कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए, माने 66 की वाणी है उसमें 20 और 25 साल घटा दो, और घटाएंगे तो जन्म तिथि आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। एक छोटी मम्मी के पास। हाँ जी,
और एक वार्तालाप में सुने थे वो जगदम्बा की बात है, सूर्यवंशी होता वो तो सूर्यवंशी होता तो जगदम्बा ही आए, होगा तो जगदम्बा ही आएगी, वो तो विजय मेला से नहीं आए, एक वार्तालाप में क्या एक बात आप में बोले, यहाँ जो वाक्य चल रहा है उसकी बात करो ना, हाँ लक्ष्मी नारायण की बात है, जो नारायण का पाठधारी है वो 25 साल का हो गया सन 66 में, और जो नारायणी का पाठधारी है वो 20 साल का है, और हम जो माउंटोरू में गया तो एक दीपावली का टाइम तो क्या हुआ, कोई दादी में लक्ष्मी को आह्वान किया, कब की बात है, 89 हुआ है, हाँ। तो लक्ष्मी को आह्वान करेंगे, हाँ। तो जिसको हम देखा है लेकिन इस बाबा ने कहा देवी तो एक ही है, बाकी 9 मूर्तियां हैं जिनमें प्रवेश करके देवी का पार्ट बजाती है, कौन है, ओम राधे मम्मा ही देवी है, वो देवी देवताएं अभी उनका अपना शरीर नहीं है, फरिश्ता रूप है, ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, ब्रह्मा भी चाहिए और ब्रह्मा का भोजन भी चाहिए, क्यों तरसते हैं कि और दुनिया में जो भोजन है उनमें लौकिक कमाई की भड़ास आती है, एक ब्रह्मा का कमाया हुआ जो भोजन है वो सिर्फ ब्राह्मणत्व का भोजन है, इसलिए तरसते हैं, इसलिए लक्ष्मी का आवाहन किया माने ओम राधे मम्मा का आवाहन किया, जैसे छोटा बाबा और बड़ा बाबा कहा जाता है ऐसे ही छोटी माँ और बड़ी माँ भी कहा जाता है, छोटी माँ है लक्ष्मी और बड़ी माँ है जगदम्बा, छोटा बाबा है ब्रह्मा बाबा और बड़ा बाबा है शिव बाबा, और बाबा मंदिर में गई इस बात मेजर की बात उसमें जो चैतन्य मूर्ति में जिसको कृष्ण ने जिसकी मंदिर के हाथ में चैतन्य मूर्ति का कपड़ा वो चैतन्य है क्या बाबा, जो मूर्ति का तो पाठ के बारे में पूछ रहे थे तो उसमें चैतन्य मूर्ति भी कोई हो सकती है बाबा, जिसके चैतन्य उसे कहा जाता है जिसमें बुद्धि का पुट हो, बुद्धि चैतन्य है या जड़ है, चैतन्य है, ये समझ सकती चैतन्य में होगी या जड़त्व में होगी, है चैतन्य में होगी, अगर मुरली कठ है काठ की है तो समझने की बात ही नहीं, और अगर समझ की बात आ गई, समझने समझाने की बात आ गई तो चैतन्य है, चित्त शक्ति चाहिए, इसलिए दो नाम पड़ गए, संगमयुगी कृष्ण अलग है जिसका शास्त्रों में गायन है, कितने गुप्त रूप में संबंध जोड़ने वाले थे 16108, वो यज्ञ के आज की बात है,
ये अंत में संपूर्ण स्टेज की बात है, अंत की बात है। इससे साबित हो जाता है कि असली कृष्ण संगमयुगी कृष्ण है जो शास्त्रों में गाया जाता है, या सतयुग का कृष्ण है, या यज्ञ के आदि का कृष्ण उर्फ ब्रह्म है। कौन सा है? संगमयुगी कृष्ण है। और तो कृष्ण के धारणों का ढंग ऐसा कहते हैं, खड़े होने का ढंग, कृष्ण का खड़े होने का ढंग, टेढ़ा होकर खड़ा हुआ कृष्ण का ढंग ऐसा क्यों है? दो पैर दो पैर ऐसे। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो ये सब अलग अलग हैं, पाठधारी है, एक ही पाठधारी के नाम है, एक ही पाठधारी का नाम है। और वो एक पाठधारी टेढ़ा मेढ़ा पाठ बजाने वाला है, इसलिए तुम बच्चे भी समझ न सको। और अड़भंगा कहा जाता है, शंकर का पाठ भक्ति मार्ग में भी क्या कहा गया है? अड़भंगा पाठधारी, जैसे महाकाली के लिए भी कहते हैं। कैसा पाठ बजाती है? अड़भंगा पाठ बजाने वाली है। और अच्छा बाबा, ऑब्जेक्ट तो पानी में इस मार में जो गुजरात में आए थे, बोला एक पॉइंट जो आपको एडवांस अवहन कर रहे हैं, बेसिक वाले एडवांस को क्या समझे? एडवांस आवाहन करे क्या? एडवांस पार्टी आपको आवाहन करे। हाँ, तो एडवांस पार्टी के लिए तो डायरेक्शन मिला हुआ है कि विजयमाला का आवाहन करो। तो विजयमाला एडवांस में है, रुद्रमाला में है, या ब्रह्मा को फॉलो करने वालों में है? बेसिक में है, तो इसलिए उन्हीं को कहा है कि तुमको आवाहन कर रही है। एडवांस पार्टी को ही आवाहन करना है ना, विजयमाला को आवाहन करने वाले कौन है? एडवांस पार्टी। हाँ जी बाबा, लास्ट में आवेंगे इसके बाद परम धाम से लास्ट में आवेंगे तो किसके पास? लास्ट में आवेंगे, लास्ट में आवेंगे माने कलयुग के अंत में आवेंगे परम धाम से। परम धाम से जो कलयुग के अंत में आवेंगे वो तमो प्रधान आत्माओं के पास आवेंगे या सतो प्रधान आत्माओं के पास आवेंगे? तमो प्रधान के पास ही आवेंगे। मेरा गर्क हो जाएगा माने गड्ढे में चले जाएगा। तुम्हारा बेड़ा जो है ना, वो समंदर में बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं। उन गड्ढों में तुम्हारा बेड़ा, शरीर रूपी बेड़ा डूब जाएगा। इस विषय वैतरणी नदी के पार कहो, विषय सागर के पार कहो, उसमें नहीं जा पाएगा, विषय सागर में ही डूब के रह जाएगा। और विषय सागर में अगर किसी का बेड़ा डूब गया, ज्यादा गहराई में डूब गया, तो कौन से धर्म में जाके जन्म लेंगे? है इस्लाम धर्म में जाके जन्म लेंगे। वो बहुत ही विकारों की गहराई में जाते हैं, गर्क हो जाएगा। दिखाया जाता है तो खीर में बाबा ने बोला मीठा भी है, आत्मा रूपी चावल भी है और दूध भी है। हाँ जी, तो ये ब्रह्मा वैष्णवी और शंकर वाली आत्मा दूध भी आत्मा का जो संगठन मिलकर एक होगा, उस,
उसके बारे में पता है। हाँ जी और हो जाएगा तो मुसलमान धर्मों में जन्म लेगा कि कन्वर्ट होगा? मुसलमानी धर्म में जाके कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम धर्म में चला जाए तो विकारों में डूबेगा या नहीं डूबेगा? वो इधर कौन है? कन्वर्ट होगा। जन्म होना अलग बात है और जीते जी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना ये अलग बात है। जो कन्वर्ट होना है वो खराब बात है, जन्म लेना वो तो पता ही नहीं रहता है। और अष्टदेव हर धर्म के इष्टदेव हैं क्या? जो अष्टदेव हैं वो हर धर्म के इष्टदेव नहीं है, पूर्वज हैं। उन्होंने धर्मों में सबसे पहले जन्म लेने वाला कौन? अष्टदेव। वो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं नहीं, वो धर्म पिताएं तो आएंगे द्वापर कलयुग में, लेकिन उन धर्मों से भी पहले जन्म लेने वाले जिनसे ये धर्म की आवृत्ति होती है, सबसे पहले पहले जन्म लेने वाले वो हैं पूर्वज। वो आठ हैं पक्के सूर्यवंशी, लेकिन अंतिम जन्म में जाकर के माया उनको घेर लेती है और दूसरे धर्म में जन्म ले जाते हैं। और जन्म लेना भी जरूरी है, अगर जन्म नहीं लेंगे तो पूर्वज कैसे बनेंगे? उन्होंने धर्मों का अंश मात्र उनके अंदर जरूर होना चाहिए, संस्कार पुरुषार्थी जीवन में, तब ही पूर्वज कहे जावेंगे। बाकी इष्ट देव तो भारत में माने जाते हैं या विदेशों में माने जाते हैं? भारत में माने जाते हैं। बिंदुसार किसका पार्ट है? राम वाली आत्मा का पार्ट है या अष्टदेव का है या और कोई मणके का है? अरे राम वाली आत्मा अष्टदेवों में नहीं है क्या? है तो ये तो पूछना बेकार है कि राम वाली आत्मा या अष्टदेव का पार्ट है। जो अष्टदेव हैं उनमें राम वाली आत्मा भी पहले नंबर में है और उसका नाम ही पड़ता है बिंदुसार। जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं उनका सार किसमें भरा हुआ है? जो सारे सृष्टि वृक्ष का बीज है उसमें 500-700 करोड़ पत्तों का सार भरा हुआ है। इसलिए बोला, गीता में भी लिखा है, नाहम तेषु ते मये, मैं उन 500-700 करोड़ पत्तों में समाया हुआ नहीं हूं, माने मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, लेकिन वो पत्ते मेरे में हैं। बीज में 500-700 करोड़ पत्ते समाये हुए हैं, अर्थात 500-700 करोड़ पत्तों का वो सार है, उसका नाम पड़ा बिंदुसार। 47 से लेकर के
97 तक 50 साल का पढ़ाई किस हिसाब से लागू होता है? पढ़ाई मुरली से शुरू होती है, बेसिक नॉलेज से शुरू होती है। 47 से बेसिक नॉलेज है और 76 से एडवांस नॉलेज है। 77 हुआ संपूर्णता वर्ष, तो 77 से लेकर 97 के 20 साल वो एडवांस पढ़ाई हो गई। उस पढ़ाई में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एडवांस के बच्चे श्रेष्ठ हैं या सिर्फ बेसिक तक पढ़ाई पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं? है एडवांस की जो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो श्रेष्ठ हैं। ये 50 साल की पढ़ाई है बेसिक और एडवांस दोनों की मिलकर। लेकिन पढ़ाई पूरी कब होती है? है पढ़ाई पढ़ने वाले एक साथ पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ने वाले नंबरवार हैं? नंबरवार हैं। कोई पहले पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, कोई बाद में पढ़ाई पूरी करेंगे। इसलिए बताया तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के 40 वर्ष हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान पति से पावन बनने का राज शुरू ही होता है 77 से, जब से बाप प्रत्यक्ष होता है। बाप के संग के रंग से बच्चे सुधरते हैं, पहले बौद्धिक रूप से सुधार होता है, आत्मा का सुधार होता है, बाद में 5 तत्वों का शरीर का सुधार होगा। भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान माना भाग्यवान, जिसको सबसे जास्ती प्राप्ति हो वो हुआ भगवान। माँ बाप लौकिक में जब मरते हैं तो लड़का माँ बाप के मुख में आग लगाता है। क्यों लगाता है और वेद में इसकी शूटिंग कैसे होती है? हम जो एडवांस में चल रहे हैं, हम एडवांस में चलने वालों के माँ बाप कौन है? हम एडवांस में जन्म से ही चल रहे हैं या पहले बेसिक पढ़ाई भी पढ़ते थे? बेसिक पढ़ाई भी पढ़ते थे, तो हमारे माँ बाप कौन थे? है मम्मा बाबा। मम्मा बाबा वाली जो आत्माएं हैं उनके मुख में ज्ञान अग्नि कौन डालता है? है कोई डालता है कि नहीं? शिव बाबा बच्चा बनता है प्रजापिता के द्वारा, तो ज्ञान की अग्नि भी डालता है और ज्ञान की अग्नि के आधार पर योग अग्नि भी तैयार होती है। ये दोनों प्रकार की अग्नियों से उनके मुख में आग लगाई जाती है, तो परंपरा भक्ति मार्ग में चलती है कि जब माँ बाप मरते हैं तो बच्चे उनके मुख में आग लगाते हैं।
ब्राह्मणों की ट्रिब्यूनल बैठेगी, उसमें धर्मराज का पार्ट ब्रह्मा बाबा चलाएंगे। ब्रह्मा बाबा जिंदा होंगे है? जिंदा तो है ही नहीं, तो पार्ट होगा फिर है? कोई में प्रवेश करके पार्ट होगा या हवा में होगा? प्रवेश करके पार्ट होगा। इसलिए मुरली में बोला है धर्मराज मेरे साथ है, तो कौन हुआ मेरे साथ धर्मराज है? ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके धर्मराज का पार्ट बजाती है, और जो पार्ट धर्मराज का होगा वो किस वर्ष से होगा? अरे ब्रह्मा की सोल संपूर्ण चंद्रमा बनेगी तब ही पार्ट होगा, या पहले ही हो जाएगा? पहले खुद संपूर्ण बने। और ट्रिब्यूनल में कौन कौन होंगे? नाम ही है ट्रिब्यूनल। ट्रि माने क्या? तीन। कौन कौन तीन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। सच्ची गीता वेद के बाप के द्वारा उच्चारित है। वेद का बाप किसकी महिमा करता है? हैं? अरे वेद का बाप है तो सबसे जास्ती किसी की महिमा करता होगा या नहीं करता होगा? किसकी महिमा करता है? हैं? गीता की महिमा करता है। और गीताएं दो हैं, एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता। तो सच्ची गीता का पार्ट किसका हुआ है? किसका? लक्ष्मी का पार्ट सच्ची गीता, तो उसकी महिमा करते हैं। गीता तू सच्ची गीता है। शिव बाबा की श्रीमत, क्या संगम युग का कानून है या सतयुग का कानून है? है संगम युग में जब स्वर्णिम संगम युग बनेगा, राजधानी तैयार हो जाएगी, तब शिव बाबा का पूरा कानून लागू होगा। अभी तो राजधानी है ही नहीं, तैयार हो रही है, तो पूरे संगम युग का शिव बाबा का कानून नहीं कहा जा सकता। अभी माया रावण के भी कानून चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और उन कानूनों के अंडर में हमको रहना पड़ता है या नहीं रहना पड़ता है? रहना पड़ता है। बाकी सतयुग में शिव बाबा के कानून की बात नहीं है। जो आत्मा जितना जितना श्रीमत पर चलती है उतना उतना अपने लिए सतयुग त्रेता सुख का और द्वापर कलयुग दुख का निर्माण करती है। मार्शल ला कब लागू होगा? पूरी राजधानी बनने के बाद लागू होगा या पहले ही लागू हो जाएगा? है? पूरी राजधानी जब स्थापन हो जाएगी तो मार्शल ला लागू हो जाएगा। मानो तो मानो, न मानो तो सूट। अभी
मधुबन की मिनी मधुबन में एक है फरुखाबाद की मिनी मधुबन में एक विघ्न आया मतलब एक विघ्न किस कारण आया है फरुखाबाद की मिनी मधुबन में एक विघ्न आया है विघ्न बाबा किस कारण आया जो भी यज्ञ के आदि से विघ्न आ रहे हैं उन विघ्नों का कारण क्या होता है इम्प्योरिटी होती है कहीं न कहीं ब्राह्मण परिवार में इम्प्योरिटी अति में पहुंच जाती है तो विघ्न का रूप सामने आ जाता है। अब उस इम्प्योरिटी के निमित्त कोई भी बने हो जो बनेंगे उनको ही झेलना पड़ेगा।